बाकी सभी SMP मेंबर आ चुके हैं। चल गया दोस्तों। तो बहुत सारे लोगों को मे भी नहीं पता होगा, मस्त चीज दिखाऊं। तो गाइस यार वेलकम बैक हो गया सभी लोगों का अंशु बिस्ट व्लॉग्स में। मैं जस्ट अभी उठा हूं और अभी एक मस्त चीज बता दो तुम लोगों को, आज कुछ क्रेजी आने वाला है। लाइक फाइनली जो तुम लोगों को बताया था मैंने पीसी के बारे में, तो आज वो वीडियो आने वाली है। तो आज हम लोग अपना पूरा पीसी सेटअप करेंगे, आज मेरे को कुछ रिकॉर्ड भी नहीं करना है, बेस्ट बात यह। तो हमारा जो नया पीसी है ना, आज हम लोग उसको फाइनली तुम्हें दिखाएंगे और उसको पूरा लगाएंगे भी। लाइक कंप्यूटर में तुम्हें दिखाऊंगा कैसे सेटअप करते हैं, सब कुछ बताऊंगा। बट अभी के लिए कुछ खाते वाते यार, थोड़ा सा यू नो खाना वाना नाश्ता वास्ता। थैंक यू मम्मी, तेरे पास टाइम है ना? क्या क्या वहां तक चलना था थोड़ा? कहां तक? हेडिल गेट तक। हां हां चलो। तो मम्मी के साथ अभी हेडल गेट तक भी जाना है, तो वहाँ तक भी चल देते हैं। पता नहीं मेरी मम्मी शर्माती के, बट चलते हैं फटाफट से। और मैंने काफ़ी टाइम से गाड़ी भी निकाली, कल गाड़ी भी निकाली, तो गाड़ी निकालेंगे आराम से। और बस हो गया नाश्ता करके, चलते हैं। कंप्यूटर आया, आज तक पीसी पूरा सेटअप करेंगे। मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बता भी नहीं सकता तुम लोगों को। तो गाइस मम्मी लोग यहाँ पर हमारा व्लॉग देख रहे हैं कल का, और मतलब आज का। और ये देखो इसको जरा, ये देखो पुम्पू ने कैसे सो रखा है मम्मी लोग साथ, धूप में जा, धूप सेक रहा मेरा बच्चा। तो मेरे को अभी अभी मम्मी ने बताया कि सिब्बू और जग्गू ने कुछ कर रखा है। चलो क्या चाची क्या हुआ? ये क्या हुआ? उज्जा वो देखो सारी स्लाइम आ चुपका रखी इनने। अब तुम लोगों के लिए कोई स्लाइम नहीं लानी है, तेरा काम था ना, वो तेरी स्लाइम थी नहीं थी? स्लाइम किसकी थी? तो उसके हाथ में आ गई और उसने उतना पर फेंक दी, तो गलती इसकी, वो तो फेंक ही देगा, ये तो है ही गंदा। अभी बिल्कुल नहीं लाना तुम लोगों के लिए ऐसी चीजें, खाने की चीजें मांगोगे वो लाएंगे, ये नहीं लाना अब खेलने वाली चीजें, बहुत हो गया। अब वो पॉपिट भी मैं ही रखूंगा, आएगा जब नहीं। हाँ ऐसे ही होगा। चलो गाइस फटाफट से गाड़ी निकालते हैं और मम्मी को लेके चलते हैं वहाँ पर, कुछ तो LIC का काम है मम्मी का, तो फटाफट से निकालते हैं और चलते हैं। तो गाइस यार मम्मी और मैं आ चुके हैं, फटाफट से निकलते हैं और मम्मी का काम करके आते हैं, उसके बाद सीधे कंप्यूटर के काम पे लगते हैं। ठीक है मम्मी, हो जाएगा ना? कितनी देर में जाएगा? अभी तो लंच टाइम बहुत टाइम है ना, 1 बजे टाइम होता है, आधा घंटा बचा, 1 बजे अगर लंच टाइम होता है तो फटाफट चलो। आप उधर से बेल्ट खींचो, उधर बेल्ट की हाथ लगाओ और इसमें डाल दो, बस बस हो गया, चलते हैं। तो गाइज मैंने मम्मी को यार छोड़ तो दिया LIC में, मगर अभी मेरे को ध्यान आया कि मैंने लिटरली पार्क करी हुई है कहाँ पर पता है? सेंट पॉल स्कूल के आगे। अभी यहाँ पर ना बच्चे घेर लेंगे, तो हम लोग एक काम करते हैं, डीजल में भरवाते हैं, तो डीजल भरवा के आते हैं जब तक मम्मी अपना काम कर रही है अंदर। और भाई क्या चल रहा? जी बस। अभी क्या स्कूल चल रहे? स्कूल से आ रहा था ना, आपको जगह आगे ऑटो रुका दिया। ऐसे ऐसे रोड पे मत दौड़ा करो, बट ठीक है? जी ठीक है, चलो मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय। तो गाइस ये लोग तो ऐसे रोड पे दौड़ते भागे ना, तो थोड़ा सा ये सब चीजें नहीं करा करो गाइस, थोड़ा सा ऐसा डेंजरस होता है भाई। मैंने खुद देखा, मैं ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करने स्टार्ट किया तो मैंने कहा आगे से दौड़ के कौन है, तो तब थोड़ा सा रोड सेफ्टी को भी देखा करो। चल के आ जाओ आराम से, मैं खड़ा ही हूँ यार, मैं कौन सा कहीं जा रहा हूँ। वैसे गाइस सारी मजाक से हटके सच्ची बता रहा हूँ भाई, हैरियर क्या लगती है देख रहे हो एक बार, धूप में क्या चमकती है भाई, इतनी प्यारी लगती है ना भाई, मैं सच्ची बता रहा हूँ। ऐसा होता ना कि ऐसी गाड़ी ले रहे हो कि तुम बार बार पलट के देखो भाई, ये उन गाड़ियों में से एक है भाई। तो गाइस ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये वाला थंबनेल है मेरा जो दीदी और मैं जिसमें थे साथ में, और ये दिया है हमें हृदयांश बॉन्ट। आई होप मैं नाम गलत ना ले रहा हूँ आपका। तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है यार, ये तो है ना, अच्छा लग रहा है ना जगह, अच्छा लग रहा है ना, बहुत प्यारा है यार ये। मस्त, अभी 4 बज गए और थोड़ा सा काम वाम चला रहा है, 3:30 बज गए और बाकी सभी SMP मेंबर आ चुके हैं। सीरियस टॉक्स, लेट्स डू दिस गाइस, खाते वाते हैं और काम धंधे पे लगते हैं। द मोमेंट यू गाइस हैव बीन वेटिंग फॉर, एंड हियर इज द पीसी। आई हाय विद जॉन मन गाइस, क्या लग रहा है ना देख रहे हो भाई, सच्ची बता रहा हूँ, दिस इज लाइक ए ड्रीम कम ट्रू। पता क्यों? देखो ये थोड़ा सा कट गया, बट यहाँ पे डोम्स तो लिखा हुआ था, यहाँ पर प्रो प्लेयर लिखा हुआ था, यहाँ पे पंपुना, और यहाँ पर भी कुछ तो लिखा था बाइम बाइम, और यहाँ पर देखो अभी दिखाता हूँ, अरे अरे ये तो गेमर फ्लीट लिखा हुआ था यहाँ पर, और इस साइड मेरे स्किन है माइनक्राफ्ट की, और इस साइड तुमने देखो तो वाह लिखा हुआ है, और बाकी ये है अपना बीस्ट भाई, ये बहुत तगड़ा है। और अभी इसकी वर्किंग दिखाऊंगा ना, तुम लोग पागल होने वाले, रुको जरा इसको थोड़ा सा इधर को लेके आते भाई, कुछ फंस रहा है यार, एक तो कारपेट यार पूरी चेंज करनी है मेरे को, ये देख रहे हो क्या लग रहा है, अभी देखो पूरा ऑन करके दिखाऊंगा। बट उससे पहले हम लोग को ये वाला पीसी हटाना पड़ेगा यहाँ पर से, बाकी ये प्यारा सा वॉलपेपर लगाया मैंने ये चितई गोलू मंदिर का, और बाकी अब हम लोग ये पीसी यहाँ डालेंगे और ये पीसी यहाँ पर आएगा। तो चलो दोस्तों काम धंधे पे लगते हैं। एक्चुअली मेरे को एक स्ट्रीम भी करनी थी, बट देखते हैं कैसे होगा क्या होगा, एंड आई होप ज्यादा धूल ना आए, क्योंकि ये पीसी
पूरा का पूरा खुला हुआ है। अगर तुम देखोगे तो ये देख रहे हो, इसमें कुछ नहीं है, ग्लास दिखने का है, ये साइड से प्रोटेक्शन के लिए बस। ये पूरा खुला हुआ पीसी है अगर तुम देखोगे तो, पूरा का पूरा। तो चलो फाइनली अपने बीस्ट को यहाँ लगाते हैं। तो गाइज मैंने चेक कर लिया है यार, ये पैनल हटा के पूरा एसएसडी का सब कुछ लग तो जाएगी, बट फिर मेरे को समझ में आया कि ये एसएसडी एक्चुअली 256 GB की आई गेस, तो यार उसमें ना वैसे भी मेरा सारा सामान आएगा नहीं। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क खरीद के लेके आते हैं और सारा का सारा सामान इस पीसी से पहले कॉपी करते, वो पीसी रेडी है चलाने के लिए, बट उसमें सारा का सारा सामान उसके बाद डालेंगे ये वाले पीसी का। और उसके बाद तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारा जितना भी चीज है वो कहीं जाएगी नहीं, लाइक हमारे गेम्स हो गए, हमारा सारा का सारा ओबीएस और सारी सेटिंग्स हो गई, वो सारी चीजें कहीं जाएंगी नहीं। तो ये मैं सोच रहा हूँ करने की, बस हम लोगों को एक हार्ड डिस्क लेके आनी पड़ेगी एक्सटर्नल, ताकि यहां हम लोग पेस्ट कर पाए। तो चलो गाइस चलते हैं फटाफट और लेके आते हैं जो एचएसडी हमें चाहिए, मतलब एक्सटर्नल एचएसडी हमें जो चाहिए वो लेके आते हैं फटाफट से, ठीक है। ठंडा बहुत हो रहा है बाहर यार। तो गाइस गाड़ी अभी मैंने यहाँ पर खड़ी कर रखी है, बाकी हम लोग आए हुए पीसी मीडिया में, फटाफट से यहाँ से हार्ड डिस्क उठाते हैं और निकलते हैं, क्योंकि मेरे को डर लग रहा है रोड पे गाड़ी खड़ी है बिल्कुल। दीपिका फटाफट बिल कर दो यार, बनना भाई। चलो ठीक है, अब फटाफट से यहाँ पर हो जाता है तो हम लोग घर का सारा इसमें सामान लेंगे। अभी बात करी मैंने इनसे भैया से कि फास्ट वाली देना, तो इन्हें फास्ट वाली दी हुई है, फटाफट जाते कॉपी पेस्ट करते हैं और फिर पीसी कर। एक्स्ट्रा फास्ट है, एक्स्ट्रा फास्ट है। क्या मतलब इसमें क्या है, जब अच्छा नहीं लग रहा इसे जो इतना गुस्सा कर रहा है भाई, उसके कान में दर्द हो रही है, इससे क्या है ये ना मेरा बच्चा, देखो क्यों परेशान कर रहे हो, जब मेरे को जम है सो जा। तो गाइस यार ये है डे टू, एक्चुअली पहले दिन में मैं पूरा पीसी नहीं बना पाया, क्योंकि ना मेरे को एक स्ट्रीम करनी थी और अगर मैं बाय चांस पीसी स्विच कर देता ना, फिर कम से कम हमें नहीं भी तो 5 से 6 घंटे सिर्फ और सिर्फ नए पीसी को सेटअप करने में, लाइक ओबीएस हो गया, सारे सॉफ्टवेयर हो गए, सब कुछ करने में कम से कम 5 से 6 घंटे जाते, तो मैं स्ट्रीम नहीं कर पाता, तो इसलिए मैंने कल को तो स्ट्रीम कर ली, बट आज हम लोग पूरा पीसी कंप्लीट करेंगे। तो गाइस ये रही अपनी हार्ड डिस्क, अब हम लोगों को बस इसकी सारी केबल्स निकालनी है और इसको यहाँ पर से हटाना है और ये वाला पीसी वहां लगाना है, 2 दिन से काम चल रहा है ये, तो चलो फटाफट से करते हैं, इसकी सारी केबल हटाता हूं पहले। तो चलो स्टार्ट करते गाइस। अरे यार नीचे सब बटन बंद कर रखा है, पैपे लगा पड़ा है, रुक जरा। ओहो, देखो अगर ऊपर पटाखा नहीं बजाया तो इसका मतलब सब सही है। ओके चल रहा है, मॉनिटर्स चल रहे हैं, टाइम टू स्टार्ट द पीसी। चल गया दोस्तों, भाई कितना कूल लगता है यार ये, देखो एक बार यार कितना खूबसूरत है ये, ओह माय गॉड। ये देखो कोई तो किसी की तो शक्ल आ रही है वहां पे, नहीं डोंट यू थिंक किसी की शक्ल आ रही है वहां पे दोस्त। ये यहाँ पर भी मैंने चेंज किया था, बट इसको भी दोबारा चेंज करना पड़ेगा आई गेस, कुछ कूल सा लगाएंगे, लेकिन देखो एक बार। वाओ थोड़ी गंदगी हो रही है वो, प्लीज माफ करना, बट क्या लग रहा है बीसी भाई, भाई इतनी ज्यादा खुशी हो रही है ना देख के भाई, देखो तो सही एक बार इसको, ये कितना प्यारा लग रहा है भाई, इतना खूबसूरत। अभी तो ये सब सिंक करूंगा मैं, ये सारे कलर जो है ना ये सारे एक कलर जलेंगे, अलग अलग जल रहे हैं अभी, बट मैं इन सबको सिंक करूंगा, कुछ पर्पलिश जैसा ये है ना ऐसा कुछ थीम में बनाएंगे, क्योंकि मेरे को ऐसा कलर बहुत पसंद है। तो गाइस यार बहुत सारे लोगों को शायद से नहीं पता होगा, लाइक काफी टाइम बाद देख रहे हो तुम लोग मेरे को, मे बी जैसे हो सकता है तुमने 5 लाख पे सब्सक्राइब किया हो, हो सकता है 1 लाख पे, अभी जब मैंने अंशुबेश ब्लॉग्स खोला तब, तो बहुत सारे लोगों को मे बी नहीं पता होगा कि एक्चुअल में मेरा जो पहला पीसी था वो मेरे पास आज भी पड़ा हुआ है, गोडाउन में है पर पड़ा हुआ है। तो यार जो मेरा पहला पीसी था वो मैंने ट्यूशंस पढ़ा के, होम ट्यूशन ये सब पढ़ा के पैसे सेव करके बनाया था, आज भी याद है मेरे को, 9000 या 10000 के आसपास पड़ा था पूरा, ग्राफिक कार्ड सब कुछ, 750 Ti ये सब लगा लुगु के, तो वो मेरा पहला पीसी था। और आज हमें खुद गीगाबाइट ऑरस ने स्पॉन्सर करके इतना तगड़ा पीसी और इतना तगड़ा मॉनिटर दिया है। तो यार जो भी ये बंदा, आई डोंट नो तुम सुनना चाहते हो नहीं सुनना चाहते हो, बट अगर तुम्हारा कुछ भी सपना है और तुम करना चाहते हो तो करो भाई, लेकिन याद रखना कि
मेहनत अपनी 100% देनी है, काम अपना 100% करना है, बट उसके साथ साथ ये भी सोच के चलना है कि तुम्हें तुम्हारी वजह से दूसरे को किसी को दुख ना हो रहा। मतलब कहने का मतलब है कि हो सकता है कि तुम किसी और तरह जॉब भी कर रहे हो, जैसे मैंने करी थी, मैंने 2-3 जॉबें करी थी, तो तुम जॉब भी कर रहे हो उसके साथ साथ अपना पैशन को भी फॉलो कर रहे हो, वो सही तरीका है, इंस्टेड अपने घर वालों से लड़ के। मैं सच्ची बता रहा, अगर आज मैं लड़ लुड़ के अकेले कर रहा होता ना, आई डोंट थिंक मैं यहाँ पे पहुंचा होता। मैं हमेशा से यही चीज करी कि घर वालों को भी लेके चला कि वो भी खुश रहे, ऐसा नहीं कि मेरे सपने की वजह से वो दुखी रहे पूरे टाइम। तो मैंने वो भी करा और खुद का काम भी करा है, तो मैं तुम लोगों से भी यही बोलूंगा कि करो, अपना पैशन भी फॉलो करो, बट साथ साथ में कुछ ऐसा थोड़ा बहुत पैसा आ रहा हो वो वाला जॉब भी करो, और एक दिन तुम लोग भी सब कुछ अचीव कर लोगे जो तुम कभी सपने में सोचोगे ना, तुम सब कुछ अचीव करोगे भाई, मेरे से लिख के ले लो ये बात। बस हार्डवर्क, डेडिकेशन और कभी किसी का दिल नहीं दुखाना। अभी बज रहे हैं शाम के 6:30, लिटरली अंधेरा हो चुका है, लेकिन फाइनली पीसी पूरा बन चुका है, माइनक्राफ्ट इंस्टॉल हो रहा है, अभी थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, और बाकी पूरा का पूरा पीसी जो जो चीजें थी सारा सेटअप वेटअप एकदम तैयार हो चुका है, एंड दिस पीसी इज रेडी टू यूज। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है सब कुछ यार, मैं मजाक नहीं कर रहा, पता है ये डेस्क देख के मेरे को ऐसा लग रहा है ना, देखो वाओ, ए मेरा माइनक्राफ्ट कैरेक्टर, हमारा पोंपुना, लव इट यार। तो गाइस तुम लोगों को इस पीसी की एक मस्त चीज दिखाऊं, देखो तुम लोग देख रहे हो कि यहाँ पर एक मॉनिटर है और एक मतलब स्क्रीन है और एक यहाँ पे स्क्रीन है, राइट। तो ये दोनों स्क्रीनों को मैं चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पर तो मैंने ऐसी रैंडमली कुछ भी लगा दिया क्योंकि इसमें ना चीजें लिखी आती है, लाइक जीपीयू का टेम्परेचर क्या है अभी, और भी ये देखो क्लॉक रेट दिखाएगा, मेगाहर्ट्ज़ सब कुछ दिखाएगा। तो मैं तुम लोगों को एक मस्त चीज दिखाता हूँ, ये देखो, ठीक है, रेडी, देखो ये हमारी अंशुबिष्ट व्लॉग वाली प्रोफाइल है, ठीक है, तो देखो ये कितनी मस्त चीज है, देखो ये कर दिया हमने सेट है, ओके किया, वो देखो गाइस, ये हमारा अंशुबिष्ट व्लॉग्स का अब वहां पर लोगो आ रहा है। हम ऐसे कुछ भी लगा सकते हैं, हम लोग कुछ मूविंग गिफ्ट भी लगा सकते हैं, ऐसे कुछ नाच रहा है जैसे या फिर कुछ कर रहा है, हम लोग ऐसे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर तो मैंने कुछ भी रैंडमली एक एनिमे का कैरेक्टर लगा रखा है, और यहाँ पर अभी ना अंशुबिष्ट व्लॉग्स लगा रखा है, क्या मस्त लग रहा है ना, देखो क्रेजी भाई, ये मशीन यार तगड़ी है बहुत। तो गाइज यार अपना लिटरली पूरा का पूरा दिन भाई इसको सेटअप करने में लग गया, बट फाइनली ये सेटअप हो चुका है, और अभी मैं गेमर फ्लिट पे जाके एक मस्त स्ट्रीम मारूंगा कैरीमी 95 के साथ, तो वो सब तो सही है, बट फाइनली अपना पीसी जो है वो रेडी हो चुका है, मेरा बच्चा ये देखो, ठीक है, तो ये फाइनली अपना पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। आई होप तुम लोगों को आज के व्लॉग में मजा आया होगा, अगर मजा आया तो प्लीज लाइक वाला बटन दबाना, और जो भी नया दिल सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो गाइस, 900K की तरफ को बढ़ रहे, तो जल्दी सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ, मैं मिलूंगा तुम लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, मिलते हैं अगली बार, बाय बाय। तो गाइस मैंने पूरा का पूरा सब कुछ कॉपी पेस्ट कर दिया था ना, मैंने अपनी माइनक्राफ्ट की सेव फाइल इसमें से निकाली नहीं है। जो लोग माइनक्राफ्ट खेलते हैं उनको पता होगा कि सेव फाइल कितनी ज्यादा जरूरी होती है, मैंने सब कुछ बैकअप कर लिया और लास्ट में वही निकला, अब ये पूरा पीसी दोबारा से लगा के फिर से कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा।